भाई गाइस इसी गाने का पहला स्टेप देखिए। वाला उसके बाद हारमोनियम में देखिए यहां से आपको एक इफेक्ट डालना होगा उंगलियों में इस प्रकार से देखिए इसके साथ ये इफेक्ट देखिए आप करके देखिए। आप जैसे सोचोगे कि हारमोनियम में आवाज इफेक्ट पड़ रहा है ये हारमोनियम हमने डिले दिया हुआ है आप इसको डिले दे सकते हैं लॉन्ग पैन 14th नंबर पे है ये देखिए पहली बार में आपको इस स्टेप से जाना है और दूसरी बार में आपको इस स्टेप से आना है देखिए देखिए अब रिदमिक साथ इसको आप अपने हिसाब से इफेक्ट दे सकते हो। अंगूठे में इसके साथ हम ये वाला की प्रेस कर देखिए अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसके बाद हो तेरी जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश तेरी जय आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तेरी जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश। गाइस आपको एक बात चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कीबोर्ड में गाने का एक एक शब्द एक एक अक्षर जैसे तीन अक्षर हैं तो उसका एक एक शब्द कीज के साथ यूज होता है तेरी दो शब्द हैं तो इसमें देखिए तेरी जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश पूरा कीज एक एक अक्षर के साथ प्रेस होता है तो इसका अगला स्टेप पूरा स्टेप यही था। आप देखिए इसको ये जब आप गाना यहां से प्ले कर गए देखिए
पहले जो बताया था कि हमने पूरा गाना यहाँ से प्ले करना है, क्योंकि इसकी काफ़ी टोन्स यहाँ से प्ले होती हैं। जैसे आप इसमें हाई में बजाते हो, देखिए इसके बाद जो यहाँ पर ट्रम्पेट यूज हुआ है वो इस पोजीशन से यूज हुआ है। उसके बाद फिर से वही, आपका पूरा गाना यहीं से प्ले होगा। आपको एक टोन्स दो टोन्स याद रखनी पड़ेंगे। इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप है, किस जननी ने तेनु जन्म दियो है, देखिए किस काफी आसान, देखिए ये हाई, जब आप एक बार गाने को हाई में लेते हो तब ये उसके लिए दिया है। किस जननी ने तेनु जन्म दियो है, तो उसके लिए देखिए गाइज, अगर आप पहला स्टेप जा लेते हो तो उसके बाद काफी सारे स्टेप आसान हो जाते हैं। देखिए जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि हमें यहां से प्ले करना, देखिए अब जो मेन टोन है, देखिए इसका हारमोनी में प्ले हुई है, वो थोड़ा मोटा हारमोनी में, देखिए हमें रिदम के साथ खेलना आना चाहिए। देखिए हम आपको बजा के दिखाते हैं, जैसे आप किस जननी ने तेनु जन्म दियो है, किसने दिया उपदेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। इसके बाद गैप के साथ देखिए, जैसे आप यहाँ से प्ले करेंगे देन उसके बाद रिदम स्टॉप, फिर हारमोनियम दूसरा प्ले, देखिए सीधा डायरेक्ट,
फिर से एक बार देख सकते हैं, पॉज करके देखिए। फिर आगे हाई में, सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद फिर से वही सेम। उसके बाद फिर से वही टोन है। माता गोरा में तन जन मंदियो है, 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 शिव ने दिया उपदेश। गाइज इसी प्रकार से हमने पूरा गाना एक प्रैक्टिस करके इकट्ठा प्ले किया था। रिदम हमारे यहाँ से क्रिएट हुई थी पूरी पूरी सेम टू सेम। अब मुश्किल होता है कि एक रिदम के साथ पूरा गाना प्ले करना और एक साथ में रिदम और गाना दोनों और उसका टेम्पो एक बार टोन में चेंज करना, उसको अलग अलग से उसका थेट देना और यहाँ से टोन में तोड़ देना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन प्रैक्टिस करने में क्या जाता है। आप भी इस प्रकार से प्रैक्टिस करिए, लेकिन आपको सीखना होगा। थोड़ा को अंगूठे के साथ जब आप टोन भूल जाते हो तब आप थोड़ा बहुत यहाँ से समझ जाता है पूरा सुर। बस आप इसकी प्रैक्टिस करिए और इसके अंत में जो हमने जो सॉन्ग में पहले गाया हुआ उन्होंने मास्टर सिंह जी ने, वो आप बाद में प्ले कर सकते हो या पहले प्ले करते हैं। प्रिथ में गोरा जी को, उसको आप सेम यहीं से प्ले करिएगा। तो आई गाइस, आई होप आपको ये गाना समझ में आया होगा। जिसमें अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो लाता रहूँ। तब तक के लिए